अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड रिजल्ट 2021 लेटेस्ट अपडेट। तो दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 1 जनवरी 2021 की बड़ी अपडेट में। सबसे पहले रिजल्ट को लेकर दोस्तों एक बड़ी खुशखबरी आ रही है, इसको हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। जो दोस्तों हमारी डीएलएड की ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ पर हमारा रिजल्ट घोषित होगा, यहाँ पर देखिए अभी तक डीएलएड 2018 बैच के दोस्तों फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर के प्रैक्टिकल के नंबर ऑनलाइन अपलोड करने की दोस्तों बात आ रही थी, लेकिन इसको अब बंद कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, पहले इस तारीख को 19 तारीख से लेकर 26 दिसंबर तक रखा गया था, बाद में इस तारीख को बढ़ाकर 29 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक किया गया। लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया, अब इसको भी यहाँ पर बंद कर दिया गया है। तो मतलब अब दोस्तों एक बात क्लियर है कि अब हमारा दोस्तों जो डीएलएड का रिजल्ट है वो किसी भी समय जारी किया जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सेशन नेम में आपको डीएलएड 2018 बैच सेलेक्ट करना है। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर 800 से अधिक बच्चे ऑनलाइन इसको चेक कर रहे हैं। तो गाइस लगे रहिए। सबसे पहले अगर आप रिजल्ट देखना चाहते हैं तो हमने कमेंट बॉक्स में आपके लिए लिंक दे रखा है, कमेंट बॉक्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसको चेक करते रहिए। जैसे ही दोस्तों हमारा डीएलएड का रिजल्ट घोषित होगा, सबसे पहले आप अपना रिजल्ट देख पाएंगे। आपको रिजल्ट देखने के लिए दोस्तों दो चीज़ों की जरूरत पड़ने वाली है। एक तो आपको रोल नंबर की जरूरत पड़ेगी, दूसरा दोस्तों डेट ऑफ बर्थ। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी बार होता है कि डेट ऑफ बर्थ आपसे शायद ना मांगा जाए, लेकिन उम्मीद है कि इस बार डेट ऑफ बर्थ मांगा जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये दो चीज़ें अगर आपके पास होंगी तो आप सबसे पहले अपना डीएलएड का रिजल्ट डाउनलोड कर पाएंगे। कैप्चा वैल्यू वो तो दोस्तों आप देख कर भर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, एक और बड़ी अपडेट आई, उसको जरा हम देखते हैं। पहले क्या अपडेट है दोस्तों, देखिए 75,000 सहायक शिक्षकों की होगी भर्ती। योगी सरकार चुनावी वर्ष के चलते देना चाहती है अधिकाधिक नौकरियां। जी हाँ दोस्तों, इस समय की ये भी एक बड़ी अपडेट है, डीएलएड छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी हो सकती है कि जब इतनी बड़ी वैकेंसी आएगी, अगर आपको इसमें मौका ना मिले तो फिर तो मज़ा नहीं आएगा ना। तो गाइस, इस वैकेंसी में जिस भी बच्चों को मौका मिला तो समझ लीजिए वो बच्चे मौके पर चौका मारेंगे। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे 2022 चुनाव से पहले नियुक्ति पत्र का दावा हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, 2022 में हमारा चुनाव होने वाला है, और सोचिए जिन बच्चों की नौकरी मिली, सोचिए एक साल में वैकेंसी क्लियर होगी, मतलब सोने पर सुहागा होने वाला है। उसके बाद लगातार चेक करते रहिए रिजल्ट। जैसे दोस्तों आपका रिजल्ट जारी हो, सबसे पहले आपको अपना रिजल्ट डाउनलोड कर लेना है, बिल्कुल इंतजार नहीं करना है किसी का। और काफ़ी बार आप गलती ये करते हैं ना कि जब रिजल्ट जारी होता है तो आप गलती ये करते हैं कि दोस्तों आप अपना रोल नंबर फिल ना करके अपने दोस्त का रोल नंबर पहले चेक करते हैं यार, जो आपके आगे बैठा था उसके कितने नंबर आ रहे हैं, जो आपके पीछे बैठा था उसके कितने आ रहे हैं। देखिएगा, ये डीएलएड की वेबसाइटें रहती हैं अधिकतर अच्छी नहीं चलती हैं, तो अगर आप इतना समय अपना बर्बाद करेंगे तो बाद में पता चले कि आप अपना रिजल्ट नहीं देख पा रहे, ठीक है ना। देखिए एक बात और है, जो दोस्तों लिंक ओपन करेंगे उसको आप एक बार रिफ्रेश मार दीजिएगा, क्योंकि होता क्या ना कि आप बार बार उसी लिंक को ओपन करते हैं तो लिंक सेव हो जाता है, ठीक है, सेव हो जाता है, फिर उसके बाद मज़ा नहीं आती। जब रिफ्रेश करेंगे दोस्तों तभी आपको ताज़ा जानकारी वहां पर दिखेगी। चलिए पहले इस न्यूज़पेपर की अपडेट्स को हम देखते हैं। उसके बाद एक और दोस्तों सवाल, सेकेंड सेमेस्टर में बैक लगी तो समझो फर्स्ट सेमेस्टर में भी बैक, क्या दोस्तों मामला, इसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। क्योंकि देखिए, जो हमारा डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट घोषित हो रहा है, या सीधे से बात करें डीएलएड 2019 बैच के छात्रों का, तो उसमें दोस्तों एक बात क्लियर मेंशन किया गया था, प्रमोट होते समय आपको कहा गया था एक बात कि जो भी आपका रिजल्ट होगा सेकेंड सेमेस्टर का, उसी को फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट माना जाएगा। मतलब दो तीन सेमेस्टर का रिजल्ट ही प्रथम सेमेस्टर का रिजल्ट बनेगा, सेकेंड में फेल तो फिर फर्स्ट में भी फेल, क्या मामला है, उसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। डीएलएड 2017-18-19 बैच की लेटेस्ट अपडेट को देखेंगे। चलिए पहले इस न्यूज़पेपर की अपडेट को देखते हैं। 75,000 सहायक शिक्षकों की होगी भर्ती। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खुशखबरी, देश के प्रसिद्ध स्कूलों से लेकर राजकीय महाविद्यालयों में शिक्षकों की वर्ष 2021 में बंपर भर्ती होगी। बेसिक माध्यमिक उच्च शिक्षा विभाग के राजकीय व सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में करीब 275,000 शिक्षकों और 6,000 से अधिक कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। दरअसल प्रदेश के लिए 2021 चुनावी साल है, इसलिए योगी सरकार युवाओं को अधिक से अधिक सरकारी नौकरी देना चाहती है। बेसिक शिक्षा विभाग ने लगातार तीसरे साल बड़ी संख्या में सहायक अध्यापकों की भर्ती की योजना बनाई है। इस साल दोस्तों 50,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती करने की तैयारी है। इसके अलावा सहायता प्राप्त स्कूलों में 4,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती का प्रस्ताव शासन में विचाराधीन है। वहीं इन स्कूलों के लिए 203,000 लिपिकों की भर्ती की भी योजना है। उधर माध्यमिक शिक्षा विभाग ने 729 सहायक अध्यापकों की भर्ती का प्रस्ताव लोक सेवा आयोग को भेज दिया है।
यह भर्ती भी दोस्तों इसी साल ही होगी। इतना ही नहीं, विभाग ने वर्ष 2018 में 10,768 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला था, लेकिन योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलने के चलते करीब 5,000 से अधिक पद खाली रह गए। इनके अतिरिक्त दोस्तों वर्ष 2020 में रिक्त हुए पदों का आकलन कर 8,000 से अधिक सहायक अध्यापकों की भर्ती की योजना है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने 4,502 सहायता प्राप्त विद्यालयों में 15,308 सहायक शिक्षकों की भर्ती के लिए नवंबर 2020, ठीक है ना, मतलब 2020 विज्ञापन जारी किया था, मगर आरक्षण निर्धारण में त्रुटि के चलते इस विज्ञापन को मतलब वापस ले लिया गया। बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि यह भर्ती भी इसी साल की जाएगी। इसके अतिरिक्त माध्यमिक शिक्षा विभाग के सहायता प्राप्त स्कूलों में 3,000 लिपिकों की भर्ती की जाएगी। तो मतलब गाइस 2021 नौकरी का दोस्तों मतलब एक तरह से साल होने वाला है। आपको एक बात और बता दें, 2021 में इतनी खुशी क्यों है? उसका दोस्तों एक रीजन है कि 2019 में कोई भी नई शिक्षक भर्ती नहीं आई, याद रखना है आपको, प्राइमरी स्कूल में, ठीक है, यूपीपीआरटी की बात हो रही है। 2020 में दोस्तों आपको पता कोरोना भी आया, प्रमोट भी हुए कुछ बच्चे, प्रमोट नहीं भी हुए, ये बातें चलती रही। एक और बड़ी अपडेट दोस्त इस समय देंगे, अपडेट है किसान मुद्दा। जी हाँ दोस्तों, अपडेट आई है, यूपी गेट पर बागपत के रहने वाले किसान की हार्ट अटैक से मौत हो गई। जी हाँ दोस्तों, काफी दुखद खबर है जो आपकी आपकी स्क्रीन पर शो हो रही है, लेकिन इसी बीच ट्विटर पर भी दोस्तों एक चीज ट्रेंड हो रहा है हमारे देश में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ट्विटर चलाते होंगे तो आपको पता होगा, हैशटैग हिटलर मोदी अगेंस्ट फार्मर्स, ये दोस्तों हमारे देश में ट्रेंडिंग पर चल रहा है। जी हाँ, राजनीति मुद्दे भी दोस्तों आपको पता होना चाहिए। बाकी अगर आप बोधी मीडिया का चैनल देखते होंगे, न्यूज चैनल देखेंगे ना, तो फिर आपको समझ में आएगा कि आखिर हो क्या रहा देश में। सोचिए, हमारे किसान भाई की जान चली जाती है और उसके बाद दोस्तों अभी तक सरकार मतलब बिल्कुल चुप है। डीएलएड का प्रमोट मुद्दा आपको याद होगा, हम चलिए मानते हैं कि चलिए आपको यहाँ पर इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा होगा ये सब खबरें देखने में, लेकिन जब बात आप पर भी बीती थी ना कुछ दिन पहले, आप देखिए दोस्तों अभी डीएलएड 2019 का बैच, जी हाँ दोस्तों अभी लड़ाई पूरी नहीं हुई है, अब 2019 का बैच भी सामने आ रहा है। अगर सेकंड में बैक लग गई, सवाल दोस्तों अभी से बच्चों के आने शुरू हो चुके हैं कि सेकंड में बैक लगी तो इसका मतलब क्या है, फर्स्ट में भी बैक समझ लिया जाए, क्योंकि देखिए अभी तक इस पर भी कुछ भी क्लैरिफिकेशन नहीं आया है, तो पीएनपी वाले भाई कुछ भी कर सकते, लास्ट में दोस्तों आपको पता चलेगा कि सेकंड में बैक का मतलब फर्स्ट में भी बैक है कि खाली सेकंड का ही बैक माना जाए, ठीक है। पीएनपी लेटेस्ट अपडेट को तो हम इस वीडियो में कवर करते ही रहते हैं, कुछ और अपडेट दोस्तों देखते हैं, कुछ और छूट रहा तो उसको कवर करेंगे। ये हमारी रिजल्ट वाली वेबसाइट, इसका लिंक हमने नीचे कमेंट बॉक्स में दिया है। वैसे जो हमने दोस्तों आपके सामने लिंक रखे हैं, चार लिंक हमने अलग अलग से आपको दे रखे हैं, जिसमें डीएलएड प्रथम सेमेस्टर का रिजल्ट, सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट, थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट, फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट, सारा लिंक अलग अलग है, एक साथ एक्टिवेट होगा, ठीक है। तो तैयार रहिए अपने रोल नंबर के साथ। जी हाँ दोस्तों, और एक बात और, दीक्षा ऐप को लेकर काफी बच्चे परेशान हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, दीक्षा ऐप को लेकर आप लोग बेमतलब का परेशान हो रहे हैं। देखिए दीक्षा ऐप में दोस्तों, अगर आपका कोर्स 100% कंप्लीट नहीं हो पा रहा, जैसे 95% पर आकर अटक गया 99 पर, तो करना क्या है, सिंपल था दोस्तों, जो दीक्षा ऐप है ना उसको ऐप में लॉगिन तो है, रहने दीजिए, उसको दोस्तों अपने मोबाइल के ब्राउजर में जाइए, ठीक है। मोबाइल में गूगल क्रोम चलाते होंगे या दोस्तों अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर में, ठीक है, क्रोम ब्राउजर ओपन करिए और वहां पर दोस्तों दीक्षा ऐप को गूगल में जाकर सर्च करना है, ठीक है। तो बस उसको लॉगिन कर दीजिएगा और उसको जो सेंड ईमेल असाइनमेंट वाली बातें आ रही है उसमें क्लिक कर दीजिएगा, ऑटोमेटिक आपका ग्रीन टिक हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर आप ग्रीन टिक नहीं कर पा रहे होंगे मोबाइल फ़ोन में, वो ब्राउजर से ओपन करने पर वो तुरंत हो जाता है, बस वही दिक्कत होगी, इसीलिए आपको 100% दीक्षा ऐप पर कोर्स कंप्लीट नहीं हो रहा है। वैसे देखिए दीक्षा ऐप के दोस्तों जो हमें नंबर मिलेंगे वो कॉलेज वाले आपको इंटरनल नंबर देंगे, ठीक है। बाकी कॉलेज में आप भरपेट पैसा तो खिलाते ही हैं, प्राइवेट कॉलेज वाले देखिए पैसा लूटने से, पैसा चूसने से पीछे तो हटेंगे है नहीं, तो गाइस आपको वहाँ पर पैसा देना ही पड़ेगा। तो फिलहाल आप इतना परेशान मत होइए, आप यूपी टेट का सोचिए कि यूपी टेट में आपका क्या होगा, सी टेट में क्या होगा, सुपर टेट में क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, आपकी जो मेन लड़ाई है ना वो यूपी टेट, सुपर टेट, ये सब चीज़ें हैं। आप लोग दीक्षा ऐप के असाइनमेंट बनाने में लग गए हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी तक जो कभी नहीं हो रहा था कि डीएलएड के छात्र असाइनमेंट में इतने परेशान हुए, ये पहली बार ऐसा हो रहा है, तो थोड़ा सावधान रहिए गाइस। जी हाँ दोस्तों, इससे आपका कुछ भला नहीं होने वाला, जरा आप ध्यान में रखिए, ठीक है। अभी दोस्तों आपको यूपी टेट का पेपर देना है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर आपका मेन जो टारगेट है उसमें लगिए आप, अगर दीक्षा ऐप के असाइनमेंट बनाते रह गए ना, तो फिर आपका जो बड़े बड़े टीईटी का पेपर होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जो आपके अब असली धुरंधर मिलेंगे। आपको एक बात और आपको बता दें, अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि आपके क्लास में 100 बच्चे हैं, अगर 100 में आप नंबर 1 पोजीशन रखते हैं,
इसका मतलब दोस्तों ये नहीं होगा कि आप उत्तर प्रदेश में नंबर वन पोजीशन रख पाएंगे, कंपटीशन काफी टफ होगा। यूपी में दोस्तों वो बच्चे भी 140 नंबर पा जाते हैं जिनको देश के राष्ट्रपति जी का नाम तक नहीं पता होता। तो यहाँ दोस्तों धांधली से भी अब आपका सीधे तौर पर मतलब सामना होने वाला है, ठीक है। हो सकता है कि आप मेहनत के दम पर आगे बढ़े, कुछ बच्चे धांधली कर कर भी आपको ओवरटेक मारेंगे। याद रखिए दोस्तों, अगर आप यूपी टेट में 150 में से 100 नंबर पा जाते हैं मेहनत के दम पर, अगर आपका दोस्त संगी यारी 140 नंबर दोस्तों धांधली करके ले आता है तो 140 की वैल्यू आपसे कहीं ज़्यादा है, ठीक है। अगर पकड़ गया तो बात ही खत्म है, नहीं पकड़ा जाता तो भाई ये बच्चा नियुक्ति पत्र ले जाएगा और आप 100 नंबर मेहनत के पाकर बेरोजगार घर में बैठे रहेंगे। 69,000 भर्ती में दोस्तों ऐसा देखने को मिला, काफ़ी बच्चे पकड़े भी गए, ठीक है, काफ़ी बच्चे नहीं पकड़े जाते, ये सब चीज़ें होती हैं। तो हर एक अपडेट से दोस्तों आपको वाकिफ रहना है। बाकी देखिए देश में क्या हो रहा है ना, अलग अलग चीजें हो रही, गोदी मीडिया दोस्तों दिखाने को तैयार नहीं है। सवाल देखिए कांग्रेस सरकार से पूछे जाते हैं, जी हाँ दोस्तों, किसान बिल पास कौन करता है, मोदी सरकार। सवाल होते हैं कांग्रेस सरकार से, मतलब बिल्कुल भी आपको समझ में बाहर रहा होगा सब कुछ क्लियर कट में कि क्या हो रहा है हमारे देश में। जी हाँ, पहली बार ऐसा हो रहा होगा देश में दोस्तों कि जब किसान सामने से खुद मना कर रहा है कि हमें भैया अपनी भलाई नहीं करानी, सरकार कहती है ना ये बिल उनके अच्छे के लिए, जब वो खुद ही नहीं चाहते कि हमारे इतनी भलाई हो जाए तो क्या मतलब है उनकी भलाई करने का, ठीक है। डीएलएड रिजल्ट की दोस्तों जो बातें हो रही हैं, तो आपका जो ऑनलाइन प्रैक्टिकल के नंबर अपलोड करने थे वो सारे अपलोड किए जा चुके हैं, ठीक है। अब वेबसाइट भी बंद की जा चुकी है, तो मतलब अब क्लियर है कि अब दोस्तों आपका रिजल्ट घोषित होगा और किसी भी समय होगा, ठीक है। बातें हुई थी दोस्तों कि हर हालत में किसी भी कीमत पर 31 दिसंबर तक डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट घोषित हो जाएगा। 31 दिसंबर 2020 की बात थी, 2021 नहीं, साल बीत गया, बातें भी खत्म हो गई, चलिए नया साल है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों कि अब हमारा रिजल्ट किसी भी समय जारी हो। आज हमारी तारीख 1 जनवरी 2021 है, ठीक है, और 10 जनवरी तक सभी सेमेस्टर के रिजल्ट घोषित होने हैं। देखते हैं क्या क्या होता है, मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे, और सभी छात्रों को हैप्पी न्यू